भाव का स्थान बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। हर व्यक्ति चाहता है कि उसके जीवन में एक ऐसा काल आए जब वह जो चाहता है उसे प्राप्त कर ले। वास्तव में भाग्य भाव का जागृत होना ये ग्रहों पर निर्भर करता है। हमारी कुंडली का जो नवम भाव होता है, 9th हाउस, उसका जो ओनर होता है वही भाग्यश होता है। हर व्यक्ति जानना चाहता है भाई कि मेरी कुंडली में भाग्य भाव का स्वामी क्या है। तो ये काफी महत्वपूर्ण विषय होता है, भाग्य भाव को जानना। अगर आप अपनी कुंडली के भाग्य भाव को जान लेंगे तो इससे भाग्यश को जानने में बहुत आसानी होगी। और एक बार आपने भाग्यश को जान लिया, फिर क्या करना है, उस भाग्य भाव के स्वामी को आपको स्ट्रांग बनाना है। जितना ही भाग्य भाव का स्वामी आपका मजबूत बनेगा, जीवन में आने वाली समस्याएं भी उतनी कम हो जाती हैं। भाग्य जो है मनुष्य को पुरुषार्थ कराता है। जैसे पत्नी का पाना एक अच्छी लग्न मंगल सूर्य को देख साथ है, मंगल कम हो गया ना, बहुत ज्यादा ये परम आवश्यक है कि व्यक्ति को अपने भाग्य भाव का स्वामी को जागृत करना चाहिए। जितना भाग्य भाव का स्वामी को जागृत करेंगे उतनी लाइफ आपकी अच्छी चलेगी। और आज आप जो है अपने भाग्यश को मजबूत कराइए। जितना आपका भाग्यश मजबूत होगा उतनी ही लाइफ आपकी पॉजिटिव चलेगी। कोशिश करके व्यक्ति को अपने भाग्यश को मजबूत करना चाहिए। आइए अपनी कुंडली आपको दिखाते हैं, फिर उसमें बताते हैं। कभी कभी होता है ना, मनुष्य परिश्रम नहीं करना चाहता, एक स्थान पर बैठेगा नहीं। जब कोई भी व्यक्ति एक स्थान पर नहीं बैठेगा तो उसको सफलता जीवन में कभी नहीं मिल सकती। इससे पहले शरीर होगा, फिर चित्त होता है, फिर व्यक्ति का मन होता है। भगवान श्री कृष्ण श्रीमद भगवद गीता में मन के विषय में कब बताया, चंचला ही मना कृष्ण। अर्जुन कहते हैं, हे भगवान, ये तो मन तो चंचल है, कैसे स्थिर होगा। अभ्यास योग युक्त है, भगवान ने कहा अभ्यास करो निरंतर। भाग्यश को जानने से ना हम निरंतर जो है मंत्रों का अभ्यास करेंगे। नियमित रूप से कुछ मंत्रों का अगर आप जप करो तो इससे आपकी मानसिक तरंगे बहुत स्ट्रांग हो जाती हैं। किसी भी व्यक्ति का जीवन उसके, अब जैसे ये कुंडली देखे, लग्न कुंडली है। अब इस लग्न कुंडली में हम अगर समझें कि भाग्य भाव है कौन, इस लग्न कुंडली का भाग्य भाव, लग्न कुंडली का जो 9th हाउस होता है वही भाग्य भाव होता है। 9th हाउस ऑफ एनी होरोस्कोप, उसको हम लोग भाग्य बोलते हैं। कोई भी व्यक्ति जीवन में अगर अपने 9th हाउस को बहुत स्ट्रांग कर ले, अब आपने भाग्य भाव के स्वामी को स्ट्रांग किया तो लाइफ आपकी बहुत पॉजिटिव चलेगी। आप ऐसा सोचिए कि हमें कहीं ना कहीं हमारा जीवन जो है हमारे 9th हाउस को चल ही चलाता है। अब इसमें इस कुंडली में अगर आप देखेंगे 9th हाउस को अच्छे से देखिए, अच्छे से समझिए कि वेयर इज 9th हाउस। कुंडली का 9th हाउस है कहाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ये 9th हाउस देखिए, यही 9th हाउस। हाउसेस जो है कुंडली में चेंज नहीं होते, हाउस कभी बदलते नहीं। आप लोग परेशान मत होइएगा, मेरे पास एक कॉल आ रही है, आपको लाइव कॉल की प्रैक्टिस करा देते हैं। जो हेलो, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? मेरी आवाज आ रही है आपको? डिस्टर्ब कर रहा हूँ। तो होता क्या है, देखिए कि जब आप भाग्य भाव के स्वामी को मजबूत करेंगे, अब इसमें 9th हाउस आप चेक करिए, 9th हाउस में नंबर लिखिए 12। ये 12th नंबर का मतलब क्या हुआ, किसी भी हाउस में 12th नंबर का मतलब क्या हुआ, ये 12 नंबर हमारे पास जो राशि होती है उस राशि चार्ट से अगर आप चेक करेंगे तो ये बताता है कि ये मीन राशि है। अब मीन राशि का स्वामी क्या है, मीन राशि का स्वामी है जुपिटर।
यहाँ पे है 12 नंबर, ये 12 नंबर जो है मीन राशि की, और मीन राशि का स्वामी गुरु। सो इस कुंडली का जो भाग्येश हुआ, भाग्य भाव का स्वामी वो गुरु हो गया। अब इसे हमको समझना क्या है, कुंडली की भाग्य भाव का जो स्वामी है। बीना जी आपको कुछ पूछना है? हाँ जी सर, आवाज आ रही है मेरी? हाँ, नहीं, बहुत अच्छी आवाज है आपकी, बताइए। थैंक यू सर। जब आपने क्लास स्टार्ट किया तो अभी तो मतलब 9:30 होते होने के साथ में आ गई थी, लेकिन क्लास शायद पहले से चल रही है तो कंटेंट समझ में नहीं आ रहा है। आप परेशान मत होइए, अभी हम एक्सप्लेन करते हैं फिर से। हम लोग समझने का प्रयास करते हैं कि कभी कभी हमारे जीवन में कुछ प्राप्तियां होती हैं, अचानक होती हैं। आप ऐसे समझिए कि कोई व्यक्ति सोच रहा है कि मेरी शादी हो जाए, और अचानक उसे लड़का मिलता है, 1 महीने में शादी हो जाती है। पढ़ाई किसी की पूरी हो गई, जॉब नहीं मिली, अचानक उसकी जॉब अच्छी लग जाती है। जॉब कर रहा होता है, अचानक उसको ऑफिस से बुलाया जाता है कि यू आर प्रमोटेड फॉर द सीनियर पोस्ट। तो ये जो घटनाएं घटित होती हैं, ये आकस्मिक व्यक्ति को लगती है, ये होती नहीं है आकस्मिक। ये जितनी भी इवेंट आपकी लाइफ में क्रिएट हो रहे हैं, अगर कोई पूछे इसकी जिम्मेदारी किसकी है, हु हैज क्रिएटेड दिस इवेंट, तो ये आपने क्रिएट किया है। पास्ट में कोई ऐसे कर्म है जिनका फल आपको नहीं मिला, वही अचानक आपसे मिलता है। ये जो भगवान का कथन है ना, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करे सोई फल चाखा। तो ये हमारा जो 9th हाउस होता है, ये स्टोर हाउस की तरह काम करता है। ये हमारे पूर्व जन्म में किए गए कर्मों का स्टोर हाउस है 9th हाउस। 9th हाउस धर्म का भी होता है, भाग्य का भी होता है। आपका भाग्य इसी में है। आपके पास स्टोर कर्मास जिनका आउटकम आपको नहीं मिला, वो इसी हाउस में है, बट ये किसी न किसी प्लानेट से गवर्न कर रहा है। अब 9th हाउस का जो ओनर होगा, वो देखिए मीन राशि है, मीन राशि का स्वामी हो गया गुरु, जुपिटर हुआ। अब जुपिटर किस स्थिति में, उसको छोड़ दीजिए यहां बैठा है। इस व्यक्ति का जो भाग्य के भाव का स्वामी है वो जुपिटर है, गुरु है। अब गुरु जब भाग्येश हो गया, अब आपको सोचना है कि इनका भाग्योदय कब होगा। वेन इज द पीक पीरियड ऑफ हिज लाइफ, जहां पे एक क्रूशियल पीरियड होगा। किसी भी व्यक्ति का जो भाग्येश गुरु अगर हो जाए, तो उस स्थिति में वो पीक पीरियड कब होगा इनके जीवन में, तो जुपिटर जो भाग्येश बनता है, तो व्यक्ति का जो 16वें वर्ष में भाग्य होता है, 16 ईयर। ये कब की कंडीशन है, जब जुपिटर अच्छी अवस्था में हो। भाई भाग्य भाव का स्वामी अगर पूरी स्ट्रेंथ के साथ है, तो जीवन के 16वें साल में इनके जीवन में भाग्योदय होगा। जल्दी से लैपटॉप लेके आओ मेरा। अब दूसरी बात क्या है, सेकेंड थिंग, सो हमारे पास जो प्लैनेट है वो कई हैं, कोई आवश्यक नहीं है कि सभी का भाग्य जुपिटर होगा। हो सकता है किसी कुंडली का भाग्य चंद्रमा हो जाए। चंद्रमा का मतलब, जब आप 9वें हाउस में देखेंगे तो वहां पे 4 नंबर दिखाई देगा। तो 4 नंबर का मतलब कर्क राशि भी उसका स्वामी चंद्रमा। तो चंद्रमा जब भाग्येश होता है, तो भाग्योदय 24 साल की उम्र में होता है, 24। मंगल सूर्य से प्रारंभ करते हैं, हम आपको एक पूरी लिस्ट बता देते हैं। होता क्या है कि अगर आप सन से स्टार्ट करें, इफ यू आर स्टार्टिंग फ्रॉम सन, आपका अगर सूर्य भाग्येश हुआ, तो ऐसी स्थिति में भाग्योदय 22 वर्ष में होता है। चंद्रमा हो गया, चंद्रमा की कंडीशन में 24 ईयर्स में होगा। मंगल, मंगल जो है 28 ईयर्स में भाग्योदय करता है। बुध 32 ईयर्स में। गुरु 16 वर्ष में। शुक्र, कुछ लोगों को आप अक्सर देखेंगे वो चलते फिरते सोते हुए चलते हैं, ठीक, और दे हैव सम काइंड ऑफ इमोशन इन देयर माइंड। छोटे बच्चों को अगर आप देखेंगे तो अक्सर अपनी मम्मी के पीछे चलते हैं।
राहु और केतु, इनका भाग्योदय 42 वर्ष में होता है। अब इसमें कौन सा पॉइंट हमें समझना है? देखिए, एक पॉइंट हम बताते हैं, उसको बहुत अच्छे से समझिए। किसी भी जातक की जब आप कुंडली बना देते हैं, तो ये जो नवा हाउस होता है ना, 9th हाउस, ये भाग्य भाव हुआ, और 9th हाउस का जो ओनर हुआ वो भाग्येश हो गया। ये बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगर किसी जातक के भाग्य भाव का स्वामी चंद्रमा है, तो ऐसे में वो जातक अपनी मम्मी के साथ बहुत अच्छा रहेगा। अगर मम्मी के साथ अच्छा रिलेशन रखे, तो उसके जीवन में बहुत अच्छी चीजें हो सकती हैं। वहीं मंगल, मंगल जो है भाई का भी कारक होता है। जिन लोगों का भाग्य मंगल हो, अपने भाई के साथ बहुत अच्छा संबंध बना के रखे, तो हो सकता है कि भाई अपने लिए 2 चॉकलेट खरीद के लाए तो आपको भी एक दे दे। बुध जो है व्यक्ति की वाणी का कारक है, साथ में सिस्टर है और बुआ है। अब इससे एक मेन पॉइंट आप समझिए कि हम सबको मिलजुल कर अपने भाग्य भाव के स्वामी को हमेशा ध्यान देना चाहिए। मतलब अदर प्लानिट को अगर आप भूल जाते हो, उसके उपाय करना, उसका निराकरण कराना, उसके मंत्र का जप, पर भाग्य भाव के को बिल्कुल मत भूलिए भाई। भाग्येश को हमें बिल्कुल फोकस में रखना है कि हमें भाग्य भाव के मंत्रों का जप निश्चित रूप से ही करना है। कुछ भी हो जाए, भाग्येश को हमें जागृत करके रखना है। अब इसमें एक नया चार्ट आपको दिखाएं। ये चार्ट ना देखिए, एक जातक है जिनका नाम है आरुष। इनकी डेट ऑफ बर्थ है 35/2007। इनके भाग्य भाव के स्वामी को चेक किया जाए, 17 है इनका भाग्य भाव का स्वामी। अगर आप चेक करेंगे, ये देखिए, और भाग्य भाव में इनके सन बैठा हुआ है, 15 डिग्री का है। इसको छोड़ दीजिए, यहाँ पे देखिए 2 नंबर लिखा हुआ है, 2 नंबर वृषभ राशि होगी। अब वृषभ राशि का स्वामी हुआ शुक्र। इस कुंडली का जो भाग्येश है वो शुक्र है, 29 डिग्री का है। और शुक्र जब अगर भाग्येश हुआ, तो ऐसी स्थिति में 25 वर्ष में इनका भाग्योदय होगा। इनका चंद्रमा देखिए, ये कर्क राशि का है, स्वराशि का चंद्रमा है, मम्मी से इनकी बहुत बनेगी। तो ये तो आउट ऑफ ट्रैक हुआ, हमें जिस ट्रैक पे कॉन्सेंट्रेट करना है वो है शुक्र। इनके जीवन में प्रेम बहुत रहेगा, क्योंकि इनके भाग्य भाव का स्वामी शुक्र है। दूसरी बात, एक और चीज आती है कि प्लैनेट से संबंधित पूजा पद्धति, कि जो जो हमारा भाग्येश है उससे संबंधित पूजा और मंत्रों का जप। तो जैसे ग्रहों के मंत्रों का जप होता है, फॉर एग्जाम्पल अगर भाग्येश आपका सूर्य हो गया, तो ऐसी स्थिति में आप क्या करें? जातक को गायत्री मंत्र का जप करने को बोलिए, जातक को आदित्य हृदय स्तोत्र पाठ का जप करने को बोलिए, पिता से संबंध अच्छे बना के रखें। चंद्रमा हो गया तब ओम नमः शिवाय का जप करें, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी की उपासना करें। मंगल की स्थिति में हनुमान जी की उपासना करें। दूसरी बात, शुक्र की दशा में क्या करना चाहिए? दुर्गा जी की उपासना करें, ओम दुम दुर्गाय नमः, ओम दुम दुर्गाय नमः। जितना व्यक्ति जो है उपासना पद्धति में लगेगा, लाइफ उसकी बहुत अच्छी चलेगी। अब इसमें एक समस्या आती है, देखिए कुछ चीजें मानव के जीवन में स्वतः आती, और बहुत सारी चीजों के लिए प्रयास करना पड़ता है। जिन चीजों के लिए आपको प्रयास करना पड़ता होगा, वो आपको कठिन लगती है, पर उनकी प्राप्ति से सुख की अनुभूति ज्यादा होती है। जैसे आसानी से अगर कुछ आपको प्राप्त हो जाए, तो आपको ये अनुभव नहीं होगा इसका क्या महत्व है। जैसे ये मनुष्य का शरीर हमें मिला है, ये बहुत महत्वपूर्ण शरीर है, पर इसका वैल्यू नहीं आती। लोग ज्यादातर जा पाएंगे आप, 99% लोग मानव का जीवन खा के पी के सो के बिताते हैं। किसी व्यक्ति को जानना हो तो उससे बात करिए, वो किसकी बातें करता है। जो जो व्यक्ति जिस स्तर का होगा, उसी स्तर की बात करेगा। सामान्य व्यक्ति जो है भोजन की बात करेगा, तो जो थोड़ा ऊंचा व्यक्ति होगा वो विचारों की बात करेगा।
जो थोड़ा और ऊंचा होगा वो ईश्वर की बात करेगा, क्योंकि आप जिस स्थिति में होते हो आपके अंदर उसी स्थिति के शब्द बनते हैं। इसीलिए ये जो सत रज तम पढ़ाया जाता है ना, सतोगुण रजोगुण तमोगुण, ये तीनों गुण से हमें अतीत होना होना पड़ता है, और इसके लिए निरंतर आपको अभ्यास करना पड़ेगा। तो सबसे पहले कुंडली का नवम भाव, ये वाला टॉपिक आपकी समझ में आया कि नहीं यार? सबको आ गया ये 9th हाउस वाला टॉपिक आ गया? सर मेरे को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि जब मैंने ज्वाइन किया ना तो ये चीज मेरे लिए बिल्कुल नहीं है। कल तक कुछ और सीख रहे थे और आज अचानक ABCD से सीधे सेंटेंस पे आ गई, तो कंफ्यूज हूँ मैं पूरी तरह से। हाँ 9th हाउस समझ में आया आपको? कुंडली का 9th हाउस कौन सा है? जी, हाँ जी, चलिए ये देखिए, कुंडली का 9th हाउस है, ये है आरुष जी की कुंडली और ये है उनका 9th हाउस। हाँ जी, अब इस 9th हाउस में देखिए कौन सा नंबर लिखा हुआ है, 2 नंबर लिखा है जिसका वृषभ है। इसका स्वामी कौन है? शुक्र। ऋषभ का स्वामी तो शुक्र है। अच्छा हाँ बस बस यहीं तक आपकी यात्रा है। इस कुंडली का भाग्य शुक्र है, हाँ ठीक जी, है? ईयर आपने नोट कर लिए थे, शुक्र के सामने हम लोगों ने लिखा हुआ 25। अब हमको हाँ क्या जी, करना है कि जब भी आप किसी कुंडली खोलेंगी तो मान लीजिए वो व्यक्ति 10 साल का है, हाँ तो उसका भाग्योदय भी होने वाला है, मीन्स दैट ठीक पीरियड इज है, गोइंग टू कम। मान लीजिए वही व्यक्ति 35 साल का है, तब अगर आप उससे पूछेंगी कि आपके जीवन में 25-26 साल में कुछ अच्छा हुआ था, तो जरूर बताएगा हाँ मुझे एक अच्छी सी नौकरी लगी थी, कुछ ना कुछ अच्छा इवेंट उसकी लाइफ में हुआ होगा, उसने मकान खरीदा होगा, गाड़ी, कुछ कुछ समथिंग ग्रेट है सर। तो ये भाग्योदय का काल होता है, और इसको ठीक इसको है। पता करने का सूत्र यह है कि नवम भाव के स्वामी के पता कर लीजिए, 9th हाउस में कौन से नंबर लिखा है, उसका ओनर कौन। अब इसमें ठीक एक है। समस्या आती है कि वो ओनर कैसी स्थिति में है। जैसे ये देखिए, हाँ देखिए वीनस लिखा है ना, ये 29 डिग्री है। अब ये भाग्य भाव के स्वामी के पास कोई पावर नहीं है, देर इज नो पावर। कारण हाँ क्या होता है कि जब आप ग्रहों को देखेंगे इनिशियल स्टेज में, 0 से 4, 0 से 5, 0 से 6 डिग्री, और 28 के बाद, 28 के बाद बूढ़े हो जाते हैं और 0 से 5 हाँ जी, बच्चे रहते हैं, तो इसका मतलब इसमें कोई स्ट्रेंथ नहीं है। इस कुंडली के भाग्य भाव के स्वामी में कोई स्ट्रेंथ नहीं है। अगर यह आप व्यक्ति आप अपने भाग्येश को मजबूत करेगा, अब स्ट्रेंथ नहीं है तो क्या करें, रोए? बिल्कुल नहीं, हम लोग तो उसी लिए है ना, स्ट्रेंथ देने के लिए। शुक्र से संबंधित जो चीजें उसका ध्यान देना पड़ेगा, उपासना पद्धति में शुक्र को जागृत करने के लिए, शुक्र को तेज देने के लिए माँ दुर्गा की उपासना करनी चाहिए। आप उन्हें ओम समझ। दुर्गाय नमः का जप करा दीजिए, और अच्छी मात्रा में करा दीजिए, 11 माला जप करा दीजिए, 3 माला जप करा दीजिए, तो होगा क्या कि इनका शुक्र बलवान होगा, जब शुक्र बलवान होगा जीवन में सुख अपने आप आएगा। सो हर कुंडली का एक पॉइंट, जैसे मैंने आपको बताया ना, कुंडली खोल के क्या करना है, लग्न देखना है, राशि देखनी है। अब उसके बाद दूसरा हाँ जी, विषय क्या करेंगे, उसके भाग्य भाव के स्वामी को देखेंगे कि भाई आपकी कुंडली का भाग्यश क्या है, और उसके बाद उस व्यक्ति से प्रश्न करेंगे आप करते क्या। कभी कभी ऐसा होगा कि एक ही व्यक्ति 50 मंत्रों का जप करता होगा, एक माला सूर्य का कर लेते हैं, एक माला मंगल का कर लेते हैं, ऐसी स्थिति में क्या होता है उसकी ऊर्जा पूरी डाइवर्ट हो जाती है। आप ऐसे सुनिए कि सुबह हम आपको जगाएं और कहें एक चम्मच ना आप ये हॉर्लिक्स खा लीजिए, एक चम्मच ये खा लीजिए, चावल खा लीजिए, एक चम्मच दाल खा लीजिए, फिर आपको कहें अच्छा एक टुकड़ा रोटी भी ले लीजिए, अब उसमें आपको क्या न्यूट्रिशन लेवल बढ़ा, कुछ बढ़ा? आपको तो मजा ही नहीं आएगा खाने का, ये कौन सा खिलवाड़ कर रहे हैं। मेरा डेली का ना, आप एक डाइट चार्ट बना के दीजिए, हम वही खाएंगे, आज रोटी दाल खाएंगे, कल फ्रूट्स खाएंगे, परसों ये खाएंगे। तो सिमिलर वे में जो आपके पास जातक है उसके भी मंत्रों को सिंक्रोनाइज कर दीजिए कि अभी 1 वीक तक ना एक ही ये मंत्र बता रहे हैं, इसको जप करना। उससे क्या होगा कि उसकी वो पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी जो है, जैसे संसार में हम कुछ बदल नहीं सकते, जैसे किसी व्यक्ति के जीवन से आप दुख नहीं निकाल सकते। दुख का मतलब क्या होता है, जो इवेंट को ऑकरेंस में जो वो फील करता है वही सैडनेस होती है। तो इवेंट हम निकाल देंगे, हो ही नहीं सकता। अगर किसी व्यक्ति से आप प्रॉमिस करें कि आपको बहुत ही प्रिय पत्नी मिलेगी जो मधुर भाषण करेगी, ऐसा हो सकता है?
बताए हो सकता है कोई उपाय है इसका? कोई उपाय नहीं है। आपको क्या करना, वो जैसे भी बोल रही है उसको आप मधुर भाषण समझ के सुनना है। किसी व्यक्ति से अगर आप कह दीजिए कि आपकी मृत्यु नहीं होगी, ऐसा नहीं हो कोई सकता गुरु जी, नहीं हो सकता ना, कोई उपाय नहीं है। तो अब हमारा नहीं कोई उपाय नहीं हमारा गुरु जी रोल क्या है बताइए। अवर रोल इज टू गाइड हम, तुम्हारे जीवन में ये घटित होगा, पूरी मजबूती से इसे युद्ध करना है, आपको पता है ऐसा ही होने वाला है। सो यहाँ पे आप रोल प्ले करते हो, दैट इज कॉल्ड बीइंग ट्रूथफुल टू योरसेल्फ। जैसे हमें किसी को कभी ये नहीं कहना कि यू विल फेस लॉट ऑफ प्रॉब्लम, आपकी मैरिड लाइफ डिस्टर्ब चलेगी। अब उसके मन में कल्पनाएं भरी हैं कि उसकी पत्नी बहुत ही मृदुभाषी होगी, देन वी हैव टू टेल देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन रियलिटी एंड द पिक्चर। जो मूवी में दिखता है और रियलिटी में बहुत डिफरेंस होता है, वो तो एक्टिंग की जा रही है, इट इज नॉट रियलिटी। जो एक्टिंग कर रहे हैं उनका भी देखेंगे, दो तीन डिवोर्स का केस चल रहा है कोर्ट में, अब वो खुद प्रवचन कर रहे हैं, वाह हमें शायद वैवाहिक जीवन में सुख करना चाहिए। तो व्यक्तिगत जीवन क्या हुआ, मतलब प्रयोग करने में वो नहीं कर पा रहे हैं। तो हमें क्या करना है, हमको बताना है। देखो सूर्य तुम्हारे सप्तम भाव में बैठा है, जिस भी जातक का सूर्य सप्तम में बैठ जाए और कोई पाप ग्रह आके सप्तम में बैठ जाए तो मैरिड लाइफ तो डिस्टर्ब हो गई, पर उसको हिम्मत देनी है भाई। देखो ये मिस ए से शादी करोगे तो भी डिस्टर्ब रहेगी, बी से करोगे तो भी, सी, क्योंकि वो तो तुम्हारे चार्ट में बना है। ठीक ऐसी परिस्थिति में क्या करें, संयम का अभ्यास करें, है मौन का पालन करें और अपने भाग्य को मजबूत करें। ये जो जप तप व्रत होते हैं ना, ये बहुत अच्छा काम करते हैं। ये व्यक्ति को आत्म संयम सिखाते हैं, कैसे अपने वाणी पे नियंत्रण करना है, भाषा पे नियंत्रण करता है, तो ये नियंत्रण करने का अभ्यास आप सिखाएंगे। इससे होगा क्या, इससे एक तो ये हो जाएगा कि जो व्यक्ति आपके पास आएगा उसका कल्याण हो जाएगा। सो एक और कुंडली खोलते हैं, देखिए आप लोगों को समझ में आते हैं। सर। प्रणाम। हरिओम। हरिओम हरिओम, कैसे हैं प्रभु? एकदम बढ़िया। आप कैसे हैं सर? सर बहुत आनंद है जीवन में। अभी जो आपने बताया भाग्येश का, जो मेरी समझ में आया, अगर मिथुन लग्न की राशि है तो उसका नवम भाव में जो 11वीं राशि होगी, 11वीं हाँ राशि का जो वो है वो स्वामी, शनि है, स्वामी हाँ 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 शनि है, हाँ और बिल्कुल, शनि अगर जिस भी भाव में बैठे हों उससे मतलब नहीं तो है। हाँ भाग्य अब इस कुंडली का भाग्य शनि हो गया, आप शनि भाग्य, हो गया। ठीक है हाँ ठीक भाग्य शनि की स्थिति को देखने के लिए हम शनि को देखेंगे, वो किस भाव में बैठा है, है। हाँ किस भाव में बैठा है और क्या कर रहा है। देखो ये कुंडली हम खोल रहे हैं, ये है आशीष की कुंडली 1911-2007। बेसिक मोटो ये रखना है कि अब इस कुंडली का भाग्य देखिए क्या है, यहाँ पे नवम भाव में कौन इसका बैठा चौथी राशि है, चौथी है, राशि के जो स्वामी है वो मून है, मून है। मून जो है वो बैठे हैं छठे भाव में। हाँ अब देखिए मून जो है इनका 15 डिग्री का राहु, अब भाग्येश के अच्छा विषय मैं में ट्रांजिट छठे टुडे देख रहा हूँ, सॉरी, चौथे भाव कैसे, चौथे भाव में बैठे हैं ना? भाव चौथे यहाँ चौथे चौथे भाव। भाव बैठा है। अब इसमें आप अगर देखेंगे तो मून और राहु का कंजंक्शन बना हुआ है, राहु की डिग्री चेक करिए, राहु है 8 डिग्री का, मून है 15 डिग्री का। इस जातक के साथ यही हुआ कि इनका मून जो है राहु से पावरफुल है, अदरवाइज यहाँ ग्रहण दोष बना हुआ है। और इनके अगर ये जातक मून और राहु को कंट्रोल कर लेंगे तो जीवन में काफी सफल रहेंगे। अब इनका भाग्योदय का काल क्या है, मून की स्थिति में भाग्येश भाग्योदय 24 वर्ष की उम्र में होता है। यहां तक हमको पहुंचना है। अब ये जातक इस उम्र में मिल रहे हैं, ही वॉज बॉर्न इन 2007, तो अभी 15-16 साल के होंगे। इनको बताना है कि भाई आप देखो अपने मून को मजबूत करने के लिए, अब इनको अगर आप ओम नमः शिवाय का जप करा ले तो इनका राहु भी कंट्रोल में रहेगा, मून भी स्ट्रांग रहेगा। सो अर्ली अगर कोई आपसे व्यक्ति मिलता है तो उसके जीवन में प्रगति की संभावनाएं ज्यादा रहती हैं, इसके बजाय अगर ये देर से मिले, क्योंकि बीमारी बढ़ जाएगी ना। सो ये फंक्शन है मून और राहु की युति का। एक और चार्ट खोलते हैं आपके।
इस कुंडली के विषय में बताएं, भाग्य भाग्य भाव का स्वामी। हाँ सर नवम भाव में 12वीं राशि, 12वीं राशि के जो स्वामी हैं वो जुपिटर हैं। वही बैठ गए ना, जुपिटर जुपिटर वहीं बैठे हुए हैं, स्वग्रही हैं। स्वगृह। तो कहीं ना कहीं इस व्यक्ति का भाग्य भाग्य बहुत तीव्र है। 16 वर्ष की उम्र में इनका भाग्य भाग्योदय होगा। जैसे हाँ हमारा एस्पेक्ट ये है कि हम उस व्यक्ति को वो बात बताएं जिस जिसको जानने से उसका लाभ होता हो। तो उसको जानने से उसका क्या लाभ होगा? वो अपने भाग्य को मजबूत करेगा। और जब व्यक्ति का भाग्य भाव मजबूत हो गया, जैसे जो चीज उसके जीवन में बहुत सुख ले आती है, ये भाग्य भाव का स्वामी ना किसी के जीवन में दुर्भाग्य नहीं ले आता, ये हमेशा समझिएगा। अगर दुर्भाग्य का स्वामी आपको ढूंढना हो तो अष्टम भाव के स्वामी को ढूंढिएगा। जो नवम भाव का स्वामी है वो है भाग्य, और अष्टम भाव का स्वामी जो है दुर्भाग्य। मतलब वो अब दुर्भाग्य कोई चीज होती नहीं है, पर ऐसा समझ लीजिए कि हमारी पसंद और नापसंद। जैसे किसी भी व्यक्ति को जीवन में धन का आना सुखमय होता है। आप में से कितने लोगों को अच्छा लगता है जब आपको पास पैसे का फ्लो होता है? बहुत अच्छा लगता है। योर अकाउंट इज क्रेडिटेड बाई 50,000, देखने के बाद स्माइल आती है। और फिर जैसे जैसे वो डेट पीटती है ना, 11, 12, 13, 14, 15, 20, 25, डेबिट होने लगता है। 2,000 हैज गॉन, 3,000 गॉन, पेटीएम हुआ फोन, लास्ट में 27 को अब 3-4 दिन कुछ कोई कार्यक्रम नहीं होगा, एकदम साइलेंट मोड में हो गया, बैलेंस अकाउंट कम हो गया। तो अब हुआ क्या? देखो प्रक्रिया तो एक आने की प्रक्रिया को हम लोग सुखमय बनाते हैं, जाने की प्रक्रिया। तो ये फ्लो हमारे जीवन में चलता रहता है। इसी को जब कोई ज्ञानी होता है वो कहता है, सुखे दुखे समय की तो, सुख और दुख में समानता का भाव ले आइए। न ज्यादा हर्षित होइए सुख में, न दुख में ज्यादा दुखी होइए। समत्व भाव को ले आइए, सारी चीजें धीरे 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 आगे बढ़ती हुई चली जाएंगी। और जितना जीवन में प्रोग्रेस होती है, जैसे कोई भी अभ्यास करेंगे आप, कोई भी उपाय करेंगे, ये क्या करता है आपके जीवन में? एक बहुत बड़ा प्रश्न आता है, हमने रेमेडी की, हमारे जीवन में क्या परिवर्तन हुआ? तो देखो अगर आपने कभी, आप में से कितने लोग नहाते हैं इसमें से? सभी लोग नहाते हैं। तो जब हम लोग नहाने जाते हैं और नहा के आते हैं, दोनों में कुछ अंतर होता है कि नहीं होता? बिल्कुल होता है। नहाने जब जाते हैं तो हम, हमारी जो फीलिंग होगी, एनर्जी होगी कम होगी, हमारे शरीर पे गंदगी रहती है, और नहा के आते हैं तो साफ हो जाता है। अगर एक व्यक्ति नहाने जाए जैसा वो नहाने गया है और वापस नहा के आए बिल्कुल वैसा ही है, तो अगर वो बार बार कहे कि मैंने नहाया मैंने नहाया, तो आप क्या कहेंगे? भाई तुम झूठ बोल रहे हो, तुमने नहाया बिल्कुल नहीं है, क्योंकि तुम्हारे भी तो कोई परिवर्तन ही नहीं हुआ। ठीक उसी तरह अगर कोई व्यक्ति ज्योतिषी द्वारा बताए गए उपायों को करता है, तो करने के बाद उसमें परिवर्तन होगा। आपके उपाय क्या हो सकते हैं? मंत्र का जप आप कराएंगे, दान कराएंगे, यही ना उपाय करा सकते हैं? व्रत करा सकते हैं, कोई स्टोन पहना सकते हैं। तो जो आप इसमें समझिए, जो थोड़ा परिश्रमी व्यक्ति होते हैं वो जप की तरफ जाते हैं, जो थोड़ा सा आलसी व्यक्ति होते हैं वो दान की तरफ जाएंगे, स्टोन की तरफ जाएंगे, रुद्राज की तरफ जाएंगे। ये बुरे बात नहीं है, हम बात बता रहे हैं, दीज आर द वेज, दोनों चीजें काम करती हैं। अब हमें क्या करना है, अगर आप किन्हीं मंत्रों का आप खुद पे अभ्यास करके देखिए, कोई एक मंत्र लीजिए, 21 दिन तक जप करिए। अगर आपसे कोई पूछे आपको भगवान के दर्शन हुए, कभी फील किया कि ईश्वर है, तो बहुत समय लग जाता है। अब जब आप मंत्रों का जप करेंगे तो हर क्षण फील करेगा। जैसे एक वायर में करंट फ्लो कर रही है, आपका एसी चल रहा है, आपका पंखा चल रहा है, अब किसी ने पूछा कि आपने कभी करंट की अनुभूति की है? नहीं। कैसे होगी करंट? एक वायर अपनी उंगली डालिए, देखिए करंट क्या होती है, बताएगी आपको, तुरंत बॉडी आपको वाइब्रेट करने लगेगा। वो आपको बताना नहीं होगा किसी को, वाइब्रेशन होंगे आपके शरीर के अंदर तुरंत। अगर कोई कहे अभी नहीं फील हो रहा, तो कहे 2 मिनट तक, वो अलग अलग तरह की आवाज निकालेगा, डांस करने लगेगा, तुरंत इलेक्ट्रिक शॉक लग गया। ठीक उसी तरह अगर आप मंत्रों का जब सही ढंग से कर लेंगे, तो ईश्वर की अनुभूति आपको हर क्षण होगी और सही मार्गदर्शन मिलने लगेगा। समस्या क्या क्या हो रही है कि हम कुछ करना नहीं चाहते। कभी कभी आप देखेंगे ना, लोग आपसे पूछेंगे अब इसके बाद क्या होगा, इसके बाद क्या होगा, तो हम आपको बात बताएंगे। पहले अपने दिमाग को ठीक करो। हमारे पास जो फैकल्टीज बनती है ना, आप उसको देखिए, आपका शरीर है दिखाई दे रहा है, आपके पास मन है,
हमें तो नहीं दिखाई दे रहा, किसी को नहीं दिखाई दे रहा हो, लेकिन आपको जरूर समझ में आ रहा हो, क्योंकि आपके अंदर उस मन में विचार आते हैं। और मन, विचार, शरीर, अब एक इससे भी और रिफाइंड फैकल्टी है जिसको कहते हैं आत्मा, मनुष्य की चेतना। अब इस चैतन्य, अब शब्द जो कहता है ना, चेतना का मतलब होता है इसमें चैतन्यता है, इसमें प्राण है, और यही मनुष्य के जीवन का सार है। हम जो भी करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, मंत्र का जप करते हैं, ज्योतिष पढ़ते हैं, इन सब का उद्देश्य एक क्या है? इन सब का एक मूल मात्र उद्देश्य है कि हम अपने को चेतना समझ सके। जिस दिन, जिस क्षण आपके अंदर ये भाव आ जाए कि नहीं, आप एक चेतना हो, भाई चेतना है तो चेतना का गुण आएगा। चेतना का गुण क्या होता है? भगवान बताते हैं, नैनम छिन्दति शस्त्राणि, नैनम दहति पावक, न चैनम क्रीडयन्तु, न शोषयेत् मात्र, अजो अयम शाश्वतो अयम, न हन्यते न हन्वानि शरीरे। मतलब हमें न शस्त्र काट सकता है, न आग जला सकती है, न पानी सुखा गीला गीला कर सकता है, न हवा सुखा सकती है। हम अजोर हैं और शाश्वत हैं और सनातन हैं। अगर इस एक श्लोक का अर्थ हमें समझ में आ जाए तो हम बहुत बड़े ज्योतिषी बन जाएंगे। सोचिए, जो आत्मा शाश्वत है, सनातन, तो वो आत्मा यहाँ भी बैठ के बोल रही है, वो आत्मा वहां बैठ के सुन रही है। इसी को लोग जो है आध्यात्म की भाषा में कहते हैं, इंट्यूशन मेरा बढ़ गया, मीन्स मुझे अंतर से अनुभूति। यहां से कोई अंदर से अनुभूति नहीं होती है, कनेक्शन हो गया आपका। आपकी चेतना जब विस्तृत होगी, जब आपको सर्वे भवंतु सुखिना करने का, अब हम प्रार्थना करें कि हमारे साथ जितने लोग देख रहे हैं, भगवान इनका कल्याण करे, और जो मेरा वीडियो देख रहे हैं उनका बहुत बड़ा कल्याण करे। कारण क्या मालूम है? इसके पीछे का एक मूल कारण है, वीडियो देखने वाले लोग बहुत महान हैं, वो समय को, महत्व को बिल्कुल समझ रहे हैं, उन्होंने एनरोलमेंट करा लिया, वो वीडियो देख करके पढ़े। सो जो लोग भी मेरा वीडियो देख रहे हैं, आप लोग बहुत महान व्यक्ति हैं, किसी दिन मेरी क्लास में आ जाया करिए, कम से कम आपसे परिचय हो जाएगा। कमेंट में जरूर कमेंट कर दीजिएगा। तो मनुष्य की महानता बढ़ती रहती है धीरे धीरे। कम से कम जैसे ही आपके अंदर ये भाव आया कि पूरा विश्व प्रेममय है, मेरे मतलब संसार में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो मेरा नहीं, उस स्थिति में जब आप ज्योतिष का अभ्यास करेंगे तो आप हर व्यक्ति के प्रश्न पूछने से पहले उसका उत्तर दे देंगे। रुक जाओ, प्रश्न मत पूछो, हम उत्तर देते हैं। ये हो तो हो गया कैसे, ये चमत्कार कैसे जीवन में आएगा? इस चमत्कार को करने के लिए बहुत छोटा सा अभ्यास है, हम आप लोग बता देते हैं, उसको करिएगा। सुबह उठिए 5 साढ़े 5, मान लीजिए आपकी निद्रा नहीं 5:30 बजे, जब उठिए सभी आपका ब्रह्म मुहूर्त है, इस बात को मान लीजिए। उठने के बाद करना क्या है आपको? आंखें बंद हो तो कोई बात नहीं, नहा धो करके भगवान के पास 5 मिनट 10 मिनट बैठते हो, बैठ जाइए पालथी मार करके, ईश्वर से कहिए कि आज मेरा सुबह हो गई गुरुदेव, भगवान मेरी आज सुबह हो गई है, आज आपकी चेतना हमारे साथ है, आज हम पूरा दिन विश्व चैतन्य के साथ रहना चाहते हैं, और हमारे शरीर की, हमारे मन की, हमारी चेतना की जिम्मेदारी आपकी है, हमारे चारों तरफ शांति प्रेम आनंद रहे, और 108 बार गायत्री मंत्र का पाठ कर लो। ओम भूर्भुवः स्वः सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सिर्फ 108 बार करिए, और दोपहर में एक टाइम आता है 1 से 2 के बीच में, उस 1 से 2 के बीच में भी 108 बार पाठ कर लीजिए, एक माला रख लीजिए, बहुत आसान काम है। देखिए ये है, ये एक माला ले लीजिए, 108 बार पाठ कर लीजिए, गिन करके, भाई न कम हो न ज्यादा हो, एक आध ज्यादा कर लीजिए, और फिर शाम को भी 5 से 6 के बीच में, ये होगी आपकी त्रिकाल संध्या। भाई त्रिकाल का मतलब क्या होता है? जिसको भूत की, भविष्य की, वर्तमान की जानकारी, उसी को त्रिकालदर्शी कहते हैं, भगवान त्रिकालदर्शी हैं, और जो भगवान से जुड़ेगा भगवान उसको भी त्रिकालदर्शी बनाते हैं। जिस क्षण ये साधना आपकी 21-22 दिन पूरी हो जाएगी, आपका आज्ञा चक्र जागृत हो जाएगा, और ऐसी परिस्थिति में होगा क्या आपके साथ? जिस भी व्यक्ति का संकल्प महान हो जाता है, वो व्यक्ति जो है सबका भविष्य, भविष्य वर्तमान जानता है, बताए या न बताए वो अन्य विषय। हेलो, हेलो आवाज आ रही है आपको? क्या जी, आ रही है जी, जानना है आपको? मैं जानना है कि मेरी नौकरी कब लगेगी, और मेरा जैसे मैं कह रहा हूँ सारी हुई है नहीं,
क्या करते हैं आप? विद्यार्थी विद्यार्थी? कौन सी क्लास के विद्यार्थी हैं? मैंने आईटीआई भी कर रखी है, बीए कर रहा हूँ। अभी तो आपकी उम्र 19 साल है, बीए कौन सा ईयर चल रहा है आपका? बीए फर्स्ट ईयर में 3 साल क्या हो गया? देखिए, आपकी कुंडली के पंचम भाव में चंद्रमा और बुध विराजमान है, राहु लग्न में विराजमान है। आपका दिमाग बहुत उड़ता होगा ना, दिमाग में बहुत विचार आते हैं आपके, इन विचारों पे नियंत्रण प्राप्त करिए। आपके भाग्य भाव का स्वामी जो है शनि है। आपका भाग्योदय जो है 36 साल की उम्र में होगा। जब आपकी उम्र 36 साल हो जाएगी, क्योंकि आपका हर काम स्लो हो रहा है, पढ़ाई रुक गई थी कि नहीं रुकी थी कहीं? आप तो उसपे डाल आप एक बात का ध्यान रखिएगा, रोज सुबह उठ करके हनुमान चालीसा का पाठ करिए। करते रही होंगी। ओके, देखिए, भजन सुनने से काम नहीं चलेगा, मुंह हिला हिला के जय हनुमान ज्ञान गुण सागर इसी का पाठ करिए। और आपको जानना दूसरी बात यह है, मंगलवार का व्रत रहा करिए। भगवान का व्रत नहीं रखना है, अपने पेट का व्रत रखना है। जब आप उस दिन अन्न का ग्रहण मत करिएगा, दूध करते पीजिएगा, फलाहार खाइए। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? अच्छा और दिमाग आपका स्थिर एकदम नहीं रहता है, मन एलर्जी की स्थिरता बहुत आवश्यक है। कोई भी व्यक्ति बिना स्थिर मन के सफल नहीं हो सकता। जो काम आप कर रहे हैं उसमें आपका मन नहीं लगता है। राहु और केतु आपके लग्न और सप्तम भाव में आ गए हैं। लग्नस्थ राहु जो है आपको बहुत उल्टा सीधा विचार देता है, तो इस पे जब नियंत्रण ले आएंगे तभी जीवन में सफलता मिलेगी।